शिवसेना आदित्य ठाकरे द्वारा सीएम एकनाथ शिंदे को वर्ली से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दिए जाने के बाद जवाब में अब शिंदे सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत को राज्यसभा से इस्तीफा देने और दोबारा से चुनाव लड़ने की चुनौती दे डाली। इस्तीफा देकर दोबारा जीत कर दिखाए संजय राउत। हाड़े में जिला योजना समिति के बैठक में शामिल होने के बाद शंभूराज देसाई ने कहा कि संजय राउत राज्यसभा से इस्तीफा दें और दोबारा जीत कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि अब विभाजित शिवसेना में सभी विधायकों ने उन्हें वोट दिया था, तब जाकर वे जीते थे। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और फिर से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राउत को समर्थन देने के लिए सभी विधायकों ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के फरमान का पालन किया था। सांसद के चुनाव में हमें जो निर्देश दिए गए थे वे सभी विधायकों ने उसका समग्र रूप से पालन किया, लेकिन अब संजय राउत इस्तीफा दें और फिर से राज्यसभा का चुनाव जीत कर दिखाएं। बचकाना है आदित्य ठाकरे का बयान। वहीं आदित्य ठाकरे के उस बयान को एकनाथ शिंदे के शिवसेना ने मंगलवार को बचकाना करार दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ शिंदे उनके खिलाफ वर्ली से चुनाव लड़कर दिखाएं। पार्टी चिन्ह पर विवाद को लेकर क्या बोले देसाई। वहीं शिवसेना यूबीटी और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच पार्टी के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर को लेकर चल रहे झगड़े को लेकर देसाई ने कहा कि चुनाव आयोग जो फैसला करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। थाने में बनाए जाएंगे मॉडल स्कूल। थाने के पालक मंत्री शंभूराज देसाई ने थाने के विकास के मुद्दे पर कहा कि वे सीएम शिंदे से मिलेंगे और थाने जिले के लिए और फंड हासिल करेंगे। देसाई ने कहा कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में जिले के लिए 850 करोड़ रुपए मांगे हैं। उन्होंने कहा कि सांगली और सतारा में मॉडल स्कूल बनाने का प्रयोग सफल रहा है, इस तरह का प्रयोग थाने में भी दोहराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिले के 10 सरकारी अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर स्थापित किए जाएंगे।